तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या? तो बिफोर गोइंग टू दैट हम ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। ट्रायंगल कितने टाइप का होते हैं? ट्रायंगल तीन टाइप का। एक होता है तुम लोगों का राइट ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर बेस करता है हम देखते हैं। सबसे पहले आता है राइट ट्रायंगल। फट ये राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ये होता है कोई भी एक ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। इसका तीन साइड होता है राइट ट्रायंगल का। एक होता है हाइपोटेन्यूज, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है हाइट। तो राइट ट्रायंगल में दो ठो एक्यूट एंगल रहता है, यानी इसका वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है। दो एंगल का वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है और एक एंगल का वैल्यू होता है 90 डिग्री। जो 90 डिग्री के सामने रहता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो उसको लग के बेस और हाइट रहेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे राइट ट्रायंगल के बारे में। थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं राइट ट्रायंगल में क्या सोल्यूशन निकलता है, क्या होता है राइट ट्रायंगल। तो मैं तीन एग्जांपल लेके चल रहा हूं। देखो हाउस एंड टेम्पल, इसमें क्या होता है, मान लो ये एक आदमी का घर है, इतना हाइट है, और ये एक रिवर है, नदी है, यहाँ एक टेम्पल है एक ठो, ठीक है। यहाँ आदमी का घर है, यहाँ रिवर है, यहाँ टेम्पल है। आदमी यहाँ बैठा है बालकोनी में, घर के बालकोनी में बैठा, और यहाँ हमारा एक स्टेयर है। एक स्टेयर में क्या है, एक फूल का डाला जो जिसमें फूल लेके जाते हैं मंदिर, वो रखा गया है, ठीक है। यहाँ एक किनारा है, दूसरा ये है, यहाँ एक बैंक है, यहाँ एक बैंक है नदी का। तो ये नदी कितना चौड़ा है, कितना वाइड, हम मेजर कर सकते हैं क्या? जरूर मेजर कर सकते हैं अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें तो। इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं, क्योंकि ये होता है हमारा एक राइट ट्रायंगल बनता है ना, है ना, एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री हो जा रहे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेके ये नदी का कितना चौड़ा है, कितना वाइड है, हम मेजर कर सकते हैं पक्का। दूसरा आता है मान लो हमारा हॉट बैलून का, देख रहे हो हॉट बैलून का दो पोजीशन, पोजीशन ए पोजीशन बी, ठीक है। यहाँ एक आदमी है, ठीक है, उसका जो एलिवेशन होता है पॉइंट सी से ए का एलिवेशन, पॉइंट सी से बी का एलिवेशन। आप देख रहे हो दो ठो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। तो दोनों बैलून, एक बैलून का दो पोजीशन में डिस्टेंस कितना होगा, मेजर कर सकते हो, डेफिनेटली मेजर कर सकते हो अगर हमको हाइट पता है। तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके हम निकाल सकते हैं। मान लो एक कुतुब मीनार का बात करते हैं, ये कुतुब मीनार है, यहाँ एक आदमी खड़ा है, तो उसका जो एलिवेशन होता है आदमी का एलिवेशन, यहाँ से यहाँ उसको देख रहे, पूरा एकदम टॉप में देख रहे कुतुब मीनार का, तो पूछता है मैं कितना दूर में है। तो उसको जो एंगल होता है वो कुतुब मीनार से कितना दूर में है तो उसको पता करेगा, या कुतुब मीनार का हाइट अगर पता करना है उसको कितना दूर में है वो अगर पता है तो फिर निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्या हो रहा है, तो राइट ट्रायंगल के हेल्प लेके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके तो हाइट भी निकाल सकते है, एक दूसरे जगह का हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द रेशियो ऑफ एंगल विथ रेस्पेक्ट टू साइड्स। तो राइट ट्रायंगल में तीन टो साइड होता है, ये होता है हाइट, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। मान लो ये एंगल को अगर लेके चलते हैं, ये एक्यूट एंगल को लेके चलते हैं, ये राइट ट्रायंगल, उसके सामने वाला जो होता है हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला जो होता है बेस, और ये जो होता है हाइट। ये बेस हाइट का बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों साइड का विथ रेस्पेक्ट टू एंगल अगर हम रेशियो निकालते हैं
तब फिर हम ये हाइट निकाल सकते हैं या बेस निकाल सकते हैं या हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? दैट डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इसको तीन पार्ट हम डिवाइड करते हैं, ट्री गोनो एंड मेट्रोन। तो ये तीन टू चीज होता है, ट्री गोनो एंड मेट्रोन। ट्री क्या होता है? थ्री यानी तीन। गोनो होता है साइड्स, ये ट्रायंगल का साइड्स होता है। और मेट्रोन मींस उसको हम कैसे मेजर करेंगे। सो मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में हम किसको डिस्कस करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में खाली राइट ट्रायंगल को लेते हैं, बाकी ट्रायंगल को हम नहीं ले सकते। ओके, वी आर टेकिंग द राइट ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। तो इट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करता है एक एंगल, एक्यूट एंगल एंड द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। ये रेशियो को स्टडी करता है, साइड्स का रेशियो विथ रेस्पेक्ट टू एंगल। ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पहले प्रीवियसली कहाँ ये यूज हुआ था? सबसे पहले ये बाबिलोन एंड इजिप्ट ऐसा कंट्री में पहले, अगर एविडेंस को हम देखते हैं हिस्ट्री में जाते हैं तो ये यूज होता था, बाबिलोन एंड इजिप्ट दो कंट्री में यूज होता। उसके बाद तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ, वर्ल्ड के सारे कंट्री उसको यूज कर रहे हैं। तो आजकल कौन यूज कर रहा है? ये फिजिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स के फील्ड में इसका हम वर्सेटाइल यूज देख रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज इंजीनियरिंग के फील्ड में, फिजिकल साइंस के फील्ड में। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत भयंकर यूज देख रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फिजिक्स में तो बहुत भयंकर यूज होता है। तो इंडिया का एक साइंटिस्ट जो बोलते हैं आर्यभट्ट, हैविंग द गुड मैथमेटिशियन, ही हैज गिवन आइडिया रिगार्डिंग द साइन मेजर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का साइन मेजर क्या होता है? आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले किस काम के लिए यूज किया जाता था? जो हमारा सोलर बॉडी होता है, जो लाइक द प्लैनेट होता है, सब प्लैनेट होता है तो और स्टार होता है, उसका डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करते थे, और साइंटिस्ट मैथमेटिशियन लोग यूज करते थे, साइंटिस्ट लोग यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री को। आजकल लेकिन उसको ये यूज हो रहा है हमारा फिजिकल साइंस में, यानी फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, और कहाँ यूज हो रहा है? इंजीनियरिंग के फील्ड में। तो इतना तो यूज है। तो क्या होता है, लेट अस सी। ये एक तो ट्रायंगल मान के चलो, राइट ट्रायंगल सी बी ए, मान लो बी एंगल 90 डिग्री है, ए सी उसका हाइपोटेन्यूस है, ए बी उसका बेस है और बी सी उसका हाइट है। तो उसका वेरियस हम रेशियो लेते हैं, वेरियस रेशियो, जैसे साइन एंगल ए इक्वल टू बी सी बाय ए सी, यानी एच बाय यानी पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कोसाइन ऑफ ए क्या होता है? बी ए बाय ए सी यानी बी बाय एच, बेस बाय हाइट। टेंजेंट मेजर ऑफ ए दैट्स योर बी सी बाय ए बी यानी पी बाय बी। कोसाइन मेजर हम देखते हैं, कोसाइन मेजर क्या होगा? उसका उल्टा होगा, साइन मेजर का उल्टा, उसका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होगा? ए सी बाय बी सी, दैट्स योर कोसाइन मेजर। सेकेंड मेजर क्या होगा आपका? कोसाइन मेजर का उसका उल्टा, ए सी बाय ए बी। इसको लिख सकते हैं एच बाय बी, सॉरी एच बाय पी, ये होगा आपका एच बाय बी। सो और एक तो चीज मैं बोलना चाहते हो आप लोगों को, ये अगर साइट को हम चेंज करते हैं तो ये एंगुलर वैल्यू में कुछ चेंजेस होगा क्या? जो रेशियो निकाल रहे उसका कुछ चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा।
कैसे नहीं होगा, हम देखते हैं। मान लो ये दो टू ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल बी ए सी विच इज 90 डिग्री एट दिस पॉइंट सी एंड एंगल डी ए ई विच इज 90 डिग्री एट द पॉइंट ई, दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये तो एंगल कॉमन ही है दोनों में, ये 90 90, मतलब तीसरा भी इक्वल होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा। तो इक्वल होने से ही रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, अगर साइड्स का रेशियो अगर इक्वल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये बड़ा ट्रायंगल ए डी ई का वेरियस मेजर्स जो है ट्रायंगल ए बी सी का वेरियस मेजर्स के साथ इक्वल ही होगा। क्लियर? तो आप लोगों को समझ में आया, कुछ आइडिया होगा राइट ट्रायंगल क्या है, राइट ट्रायंगल को लेके हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, वेरियस उसका एंगल का वेरियस मेजरमेंट जैसे साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेंट सेंट ये सब हम मेजर कर सकते इसको। इसके लिए ये बड़ा बड़ा बल्कि उसका एब्रिविएशन हम यूज कर रहे हैं, साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए, दिस वी आर यूजिंग द एब्रिविएशन। ये बड़ा बड़ा टर्म है बल्कि उसका एब्रिविएशन को हम यूज कर रहे हैं। समझ में आया रहा है ट्रिग्नोमेट्री किस लिए आया, व्हाट इज द एग्जिस्टेंस, व्हाट्स द इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। नाउ वी शैल डिस्कस द और गो थ्रू द वेरियस प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मैं इसको वाइप आउट कर दे रहा हूं, उसके बाद तो हम जाएंगे उसमें, वेरियस प्रॉब्लम्स आर देयर, वी शैल गो टू द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको यूज करके हम और बाकी सारे रेशियो को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज वी हैव गिवेन 10a इक्वल टू 4/3, सपोज यू हैव गिवेन 10a इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब पूछा हमको बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो। ठीक है, हम निकालते, मान लो दिस तो राइट एंगल, दिस एंगल ए, दिस द एंगल ए बी सी, दिस 90 डिग्री, सो कुछ 10a इक्वल टू 4/3। यहां हम क्या लेंगे, 10 मतलब ये होगा हमारा पी बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो है, और हमारा पी होता है बी सी, लेट बी सी इक्वल टू 4k एंड ए बी इक्वल टू 3k। हम अभी क्या करेंगे, ए सी को निकाल देते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का रूट ओवर ही होगा। नहीं समझ में आ रहा ना बच्चों, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर का रूट ओवर होगा। बी सी कितना है, 4k का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर रूट ओवर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, ये होगा आपका 25k स्क्वायर का रूट ओवर 5k। अभी हमको मिल गया ए बी बी सी ए सी सब मिल गया, हम बाकी सारे एंगल का और रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो ऑफ द साइड्स। ये जैसे साइन ए कॉस ए टेन ए, फिर होगा कोसेक ए, फिर सेक ए कॉट ए, निकाल सकते आराम से। ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू हमारा पी बाय एच, पी है हमारा कितना 4k, एच है बच्चों 5k, ये हो गया के कैंसिल हो गया 4/5, लाइक डेट कसे बी बाय एच 3k बाय 5k, ये हो गया 3/5, टेन होगा साइन बाय कॉस, ये हो गया पी बाय बी, पी बाय बी यानी 10 तो हमको दिया है
निकालने का कोई जरूरत नहीं है। कोसेगे कोसेगे हम निकालेंगे वन बाय साइन ए, वन बाय साइन ए इक्वल टू वन बाय फोर बाय फाइव इक्वल टू फाइव बाय फोर, सेगे वन बाय कोसे यानी हो जाता है वन बाय थ्री बाय फाइव, तो ये जाएगा फाइव बाय थ्री। कॉट ए वन बाय टेन ए, ये हो जाएगा आपका वन बाय सॉरी टेन ए मतलब वन बाय हो गया फोर बाय फाइव सॉरी वन बाय फोर बाय थ्री इक्वल टू थ्री बाय फोर। ऐसे आप निकाल सकते हो, अगर एक दिया है आपका कोई भी वैल्यू दिया है कोई भी रेशियो दिया है तो बाकी सारे रेशियो आप निकाल सकते हो, है ही नहीं। बहुत इजी टास्क है, नॉट डिफिकल्ट वन, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। और दूसरा प्रॉब्लम हमको दिया है, दो ट्रायंगल दिया है, थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर हमको दिया है। दूसरा प्रॉब्लम थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर दिया है और प्रूव करने के लिए बोला है वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है कि नहीं हम चेक करेंगे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं हम चेक करेंगे। तो ये जो दिया है थ्री कॉट ए इक्वल टू फोर और दिस इम्प्लाइज कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, थ्री जाके यहाँ डिवाइड होगा थ्री फोर बाय थ्री, ये होता है हमारा बी बाय टी। लेट हमारा यहाँ एक तो ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक रहेगा ये हमारा ए बी सी, ये 90 डिग्री। लेट हमारा ए बी कितना है 4 के और बी सी को ले लेते 3 के, तो अभी ए सी को निकाल देते, ए सी क्या होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। तो निकाल देते ए बी कितना है 4 के का स्क्वायर प्लस थ्री के का स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया 16 के स्क्वायर, ये 9 के स्क्वायर 25 के स्क्वायर, इसका रूट ओवर होगा हमारा 5 के। अभी हमको क्या चाहिए, एलएचएस लेंगे, मैं इसको वाइप आउट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में इतना जगह नहीं है, बहुत कम जगह है। LHS वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाय वन प्लस टेन स्क्वायर ए, तो वन माइनस टेन का वैल्यू होगा हमारा, हमको कॉट ए का वैल्यू पता है तो टेन का वैल्यू होगा थ्री के बाय फोर के का स्क्वायर, वन माइनस थ्री के, ठीक है। तो ये हो गया 9 के स्क्वायर बाय 16 के स्क्वायर, ये नीचे का हो गया 1 प्लस 9 के स्क्वायर बाय 16 के स्क्वायर,
इसका एलसीएम ले जाते हैं, ठीक है, 16 के स्क्वायर एलसीएम होगा, 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, इसका भी बच्चों 16 के स्क्वायर होगा, 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 7 के स्क्वायर, और ये बचा हमारा 25 के स्क्वायर, के स्क्वायर कैंसिल, 7/25। अभी हम चलते हैं RHS, ये हमको दिया है 1 cos² a माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो कॉस कितना है हमारा बी ए हमारा कितना है, आर 4k बाय 5k माइनस 3k ठीक है, तो ये होगा 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बाय 25 के स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 7 के स्क्वायर बाय 25 के स्क्वायर, ये हो गया 7/25, प्रूफ हो गया ना, ठीक है, तो कैसे प्रूफ हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया हमारा, LHS RHS के साथ इक्वल हो गया प्रूफ। तो बच्चों समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थोरोली इसमें जाना, ठीक है, और वीडियो को एकदम क्लियरली देखना, आपका फंडामेंटल आइडिया भी हो जाएगा और कुछ नंबर भी खुद कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी प्रेजेंट करेंगे, और वीडियो देखते ही एक लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, सो दिस मच फॉर टुडे।